राजनीतिक धरना प्रदर्शन चार मांगों को लेकर है। एक तो जो फीस वृद्धि हुई है, बेहतासा फीस वृद्धि हुई है, उसको वापस लिया जाए। NRI सीटें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में NRI सीटें हैं उनको हटाया जाए। और तीसरा सबसे मेन मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़त्म हो चुका है गवर्नमेंट कॉलेज का, कोई देखने में मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ लोग कैसे रह सकते हैं। और चौथी मांग है इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। आज हम लोगों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है आने वाले 5-7 दिन में, तो हम लोग अनिश्चितकाल के लिए कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे और यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। धरना प्रदर्शन है ये जो अभी मेडिकल कॉलेजों की पिछले साल से बेहतासा फीस वृद्धि हो रही है उसके विरुद्ध है। फीस वृद्धि होने की वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, जबकि इतनी मेहनत करके PMT का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं उसके बाद भी इतनी भारी भरकम फीस उठानी पड़ रही है। दूसरा, इंटर्न स्टाइपेंड कंपेरिजन बहुत कम है फीस वृद्धि के। तीसरी बात, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। कॉलेज में चारों तरफ पानी भर जाता है, जैसे कल बारिश हुई तो कॉलेज का एंट्री गेट तक बंद हो जाता है। फर्स्ट टाइम MBBS के बच्चों की एग्ज़ाम चल रही है, वो बड़ी मुश्किलों से एग्ज़ाम देने के लिए बिल्डिंग में आ पाते हैं। और ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, सबके क्लासों का बहिष्कार किया जाएगा अगर मांगे नहीं मानेगी, और इंटर्न कार्य बहिष्कार पर रहेगा। डॉक्टर कमल यादव।